उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर इस तरह से तैयारियां चल रही हैं कि अब बिहार, खासतौर से समस्तीपुर जिले के बिहार से ईवीएम मशीन अब बलिया में आना शुरू हो चुकी है। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं आज रविवार को सुबह आई है समस्तीपुर बिहार से। इस ट्रक में बहुत सारे ईवीएम पड़े हुए हैं। जैसा कि दो तीन दिनों की बात करें तो करीब 6-7 ट्रक जो है बिहार समस्तीपुर से यूपी के बलिया में आ चुका है। ये संकेत है कि आने वाले चुनाव में बिहार के ईवीएम जो अभी हाल में जो चुनाव बिहार में हुआ उस ईवीएम को बलिया लाया गया है और इसी ईवीएम को इंजीनियर चेक करेंगे, इसके बाद जो है चुनाव होगा। हम इस समय मॉडल तहसील के बगल में जो जिला निर्वाचन का जो ऑफिस है, जो कार्यालय, उसके बगल में जो स्ट्रांग रूम है उसमें ईवीएम रखे जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं वो? आ रहे हैं समस्तीपुर बिहार से। कब चले थे बिहार से आप? रात 10 बजे चले थे। तो आज सुबह करीब 7 बजे आप बलिया पहुंच गए। जी जी। तो इसमें ईवीएम है जी, वहाँ के स्ट्रांग रूम से लाए आप यहाँ? जी, वहाँ के समस्तीपुर स्ट्रांग रूम से यहाँ से लाए ना आप? हाँ जी, वहाँ से। तो कितने हैं लगभग ईवीएम, कुछ जानकारी है क्या इसमें? नहीं सर, इसमें की जानकारी नहीं है। अच्छा, 1100 हैं जी। 1100 ऊपर हैं? हाँ, 1100। तो उस समय यहाँ उन इस ईवीएम के साथ और कोई आया है कि आप ही लोग के लाए हैं? नहीं, दो लोग हम स्टाफ के हैं और दो लोग मतलब पुलिस स्टाफ के हैं। चार लोग? हाँ। तो चार लोग बिहार से आए हैं। हाँ। तो दो लोग जो अभी सिपाही लोग थे बलिया के थे, बिहार से आए? नहीं, वो यूपी के थे, ये नहीं कह सकते हम के बलिया के थे या कहीं और के थे, लेकिन थे यूपी स्टेट के। ₹2019 में लोकसभा चुनाव के बाद अब बिहार आपका यूपी का चुनाव 2022 में होना है, उसको लेकर खास तौर पे तैयारियां चल रही हैं। जिला प्रशासन के स्तर से जो भी तैयारियां हैं बूथ वाइज और समीक्षा वगैरह सब चल रहे हैं। जैसा कि संभावना है कि मार्च माह में 2022 के मार्च माह में विधानसभा चुनाव यूपी में होने हैं, उसको लेकर बलिया से लगाए उत्तर प्रदेश के सारे जनपदों में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। और उसको आप देख सकते हैं कि बलिया के मॉडल तहसील पर किस तरह से बिहार के समस्तीपुर ज़िले से ईवीएम आना शुरू हो चुका है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगला जो चुनाव होने जा रहा है ये ऐसा 20 सालों में ऐसा देखा जा रहा है कि योगी सरकार के बाद पुनः उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं 2022 में, उसमें एक तरफ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मैदान में होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की भूमिका में अखिलेश यादव भी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो उनके तरफ से जो भी 403 विधानसभाओं की बात करें, कौन कहां से कौन किस विधानसभा से लड़ेगा, इसकी सूची तैयार हो रही है। और संभावना यह बताई जा रही है कि दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक में समाजवादी पार्टी खासतौर पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी सूची तैयार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी किस उम्मीदवार को कहाँ से लड़ाएगी उसको भी लेकर समीक्षा चल रही है।